सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जसवाल टीचर ब्लॉगर। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। सो बहुत से क्वेश्चंस मैंने आंसर किए हैं एशियन पेंट्स के जॉब से रिलेटेड, हमारे आपके टेस्ट से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने डीलर लोग के लिए लाता हूँ, जिसमें डीलर लोग पूछ रहे हैं कि हमें डीलरशिप चाहिए, तो तरुण कैसे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एशियन पेंट की डीलरशिप चाहते हैं, और उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं, इस वीडियो में वो सब कवर करूंगा। तो गाइस, एक आप पेन एक नोट लेके रख लीजिए, क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप नोट कर लीजिए। ये सारी चीज अगर आपके पास अवेलेबल होंगी तो आपकी डीलरशिप आपके हाथ में होगी। नंबर वन, एशियन पेंट की डीलरशिप के लिए आपको अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करना है, जो सबसे ईजी वे है, ऑनलाइन अप्रोच करने के लिए अगर आप नोट कर ले, dealership@asianpaints.com, ये एक हमारी ईमेल आईडी है कंपनी की। अगर आपको एशियन पेंट डीलरशिप के लिए अप्रोच करना है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप यहाँ पे शेयर करते हैं, लिख लीजिए डीलरशिप dealership@asianpaints.com, ये dealership@asianpaints.com पे आप मेल मेंशन कर दे, हाय लिख के, दैट आई नीड अ डीलरशिप, और नीचे अपना टाउन नेम, अपनी फर्म का नेम, आपका रिगार्ड्स के साथ अपना नाम और फोन नंबर मेंशन कर दे। तो जिस भी आपकी टेरिटरी में आपने मेल के लिए अप्रोच किया होगा तो ऑटोमेटिकली वहां का TSO यानी टेरिटरी सेल एग्जीक्यूटिव आपको अप्रोच कर लेगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे किससे दूं। तो ये ऑनलाइन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जीमेल के थ्रू आप अप्रोच कर ले, ठीक है। तो ये इससे आपको एशियन पेंट की डीलरशिप का एक पाथ मिल जाएगा ओपन। दूसरी चीज, अगर सर हम ऑनलाइन के बारे में इतना नहीं जानते तो नियरेस्ट किसी भी एशियन पेंट की डीलर स्टोर पर जाए, वहां पर TSO का कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड, वो शेयर कर दे। ये सेकंड ऑप्शन मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा, अगर आप किसी भी नियर बाय अपने में जा आप किसी स्टोर पर जाते हैं और TSO का नाम पूछते हैं, हो सकता हो वहाँ का डीलर आपको ना शेयर करे, ये सोचे कि यार मैं अगर इसको शेयर कर दूंगा तो उसको भी डीलरशिप मिल जाएगी तो मेरी दुकान की में प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉम्पिटिशन से बचने के लिए हो सकता है वे भी प्रेफर ना करें, फिर भी आप एक अगर आपका फ्रेंडली रिलेशन है किसी डीलर के साथ तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ पे टेरिटरी एग्जीक्यूटिव कौन आता है, उसका नंबर लेके आप वहाँ पे थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है, अगर आपके यहाँ कोई रेगुलर सालों से पेंट करता आ रहा है आपके घर पे, तो उस पेंटर से आप भी संपर्क कर सकते हैं कि पेंटर का भी एक लिंक होता है हमारे MSGSR के थ्रू, जो मास्टर स्ट्रोक का उस पेंटर के थ्रू जुड़ा होता है। तो आप उस पेंटर के थ्रू बोल सकते हैं कि अगर कि मुझे एशियन पेंट की डीलरशिप चाहिए, तो आपका कोई लिंक होगा एशियन पेंट कंपनी के थ्रू, तो उसका मुझे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेयर करें। तो वो पेंटर या वो कॉन्ट्रैक्टर अगर वो किसी एशियन पेंट डीलरशिप के बंदे के साथ कनेक्ट होगा, डीलरशिप क्या है, ये एशियन पेंट TSO या MSGSR के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ये डीलर एक इनको नीड है डीलरशिप के लिए, तो वो अप्रोच करके आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर लेगा। ये सारे ऑप्शन है डीलरशिप लेने के लिए, ऑनलाइन के थ्रू, फिजिकल जाके, या किसी भी एशियन पेंट डीलरशिप में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो वहां से भी किसी बकेट में अगर आप देखोगे, किसी भी एशियन पेंट की बकेट में उठा लेना 1800 करके हमारा ऑर्डर नंबर के साथ साथ ये एक कस्टमर केयर नंबर है, वो कस्टमर केयर के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन ईजी है, कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी टीम को कनेक्ट बता सके कि हमें डीलरशिप चाहिए, तो वो भी रिक्वेस्ट जनरेट करके मेल कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, डीलरशिप के लिए हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया, अब डीलरशिप के लिए क्या क्या चाहिए। डीलरशिप के लिए आपको सबसे पहले अपना एक GST सर्टिफिकेट चाहिए, गुड्स सेल्स एंड सर्विस, ठीक है। ये आपको GST सर्टिफिकेट होगा तभी कंपनी में आप अपना फर्म नाम से खोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया GST। पैन, आपका परमानेंट एड्रेस नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर सॉरी, ये आपका होना चाहिए पैन नंबर। थर्ड, आपका बैंक खाता करंट अकाउंट में, जैसे लाइक आपकी फर्म का नाम है मान लीजिए अभिषेक मित्तल एजेंसीज,
तो अभिषेक मित्तल एजेंसी का जीएसटी सर्टिफिकेट उस नाम से होना चाहिए और उस फर्म के नाम का जो चेकबुक होता है अभिषेक मित्तल एजेंसी वो होनी चाहिए। ये तीन चीज अगर आपके पास फुलफिल है तो आप एशियन पेंट डीलरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और एशियन पेंट की डीलरशिप में आप इंजॉय कर सकते हैं कहीं भी खोलने के लिए। वो बाकी इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो टीएसओ का पार्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं कि नहीं। और एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम बिलिंग का मशीन के साथ विदाउट मशीन के साथ, वो तो नेक्स्ट स्टेप है टीएसओ डिसीजन। मेरा काम था आपको डीलरशिप तक पहुँचाने का। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए मेरी ईमेल आईडी पर आप मैसेज हाई सेंड कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा और वहाँ पे थ्रू आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। टिल दैट टाइम एशियन पेंट डीलरशिप के लिए स्वागत है आप सबका।